वुजू की नियत करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दोनों हाथ घुटनों तक धोएं। फिर अगर मिसवाक है तो अपने दाएं हाथ से अच्छी तरह मिसवाक करें। फिर तीन बार खूब अच्छी तरह कुली करें। फिर अपने दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाएं कि नाक की हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक साफ करें। फिर दोनों हाथों में पानी लेकर तीन मर्तबा अपने मुंह को इस तरह धोएं कि माथे पर जहां से बाल शुरू होते हैं वहां से लेकर ठोड़ी तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक मुंह का हर हर हिस्सा धुल जाए, एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, और दाढ़ी हो तो उसे भी धोएं और दाढ़ी में खलाल भी करें। फिर कोनियों समेत दोनों हाथों को कुछ ऊपर तक तीन तीन मर्तबा खूब अच्छे तरीके से धोएं ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे और वुजू का ये फर्ज अच्छे तरीके से अदा हो जाए। फिर एक बार सर का मसा इस तरह करें कि दोनों हाथ तर करके अंगूठे और कलमे की उंगली छोड़कर दोनों हाथों की तीन तीन उंगलियों की नोक एक दूसरे से मिलाएं और इन छियों उंगलियों के पेट की जड़ माथे पर रख कर पीछे की तरफ गुद्दी तक ले जाए। इस तरह के कलमे की दोनों उंगलियां और दोनों अंगूठे और दोनों हथेलियां सर से ना लगने पाए। अब गुद्दी से हाथ वापस माथे की तरफ इस तरह लाएं कि दोनों हाथों की हथेलियां सर के दाएं बाएं हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जाएं। अब कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर के हिस्सों का और अंगूठे के पेट से कान के बाहर के हिस्सों का मसा करें और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करें, लेकिन हाथ गले पर ना जाने पाए क्योंकि गले का मसा मकरूह है। फिर दाएं पांव को उंगलियों की तरफ से टखने समेत कुछ ऊपर तक अच्छे तरीके से धोएं कि कोई जगह खुश्क ना रह जाए, और उंगलियों में खलाल भी करें और बाएं पांव को भी इसी तरह धोएं।